नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रेनमैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों करंटली मैं हूं ऑन बोर्ड 22439 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस में। दोस्तों ये ट्रेन नई दिल्ली से अपना सफर शुरू करती है सुबह 6 बजे, जिसके बाद में तकरीबन 8 घंटे बाद में दोपहर में 2 बजे ये ट्रेन पहुंचती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के ऊपर। दोस्तों इस 650 किलोमीटर के पूरे सफर में ये ट्रेन सिर्फ 3 जगह पर ही रुकती है, जिसमें से पहला स्टेशन होता है अंबाला कैंट, दूसरा रेलवे स्टेशन होता है लुधियाना जंक्शन और तीसरा जो रेलवे स्टेशन होता है वो होता है जम्मू तवी। इसके अलावा दोस्तों ये जो ट्रेन है कहीं पर भी नहीं रुकती है और दोस्तों इस पूरे रूट में काफ़ी सारे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन को ये स्किप करते हुए आती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ऐसे ही 3 बड़े बड़े रेलवे स्टेशन का स्किप, जिसमें से पहला होने वाला है जलंधर कैंट, दूसरा होने वाला है यहाँ पर पठानकोट कैंट और तीसरा होने वाला है उधमपुर जंक्शन। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और फटाफट से अभी हम लोग चलते हैं जलंधर कैंट पे। A few moments later. तो दोस्तों करंटली हमारी जो वंदे भारत है ये पहुंच चुकी है जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन पे और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारी जो ट्रेन है वो धीरे धीरे करके ये जो प्लेटफॉर्म है इसको स्किप करते हुए निकल रही है। दोस्तों जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर रोजाना तकरीबन 147 ट्रेन जो है ये हॉल्ट करती हैं। ये आता है फिरोजपुर डिवीजन के अंदर और अगर हम लोग जोन की बात करें तो ये नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में आता है। काफ़ी सारे यहाँ पर जो ट्रेन है वो हॉल्ट करके निकलती हैं, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ट्रेन यहाँ पर स्टॉप करती हैं, लेकिन वंदे भारत का यहाँ पर कोई भी स्टॉप नहीं दिया गया है। दोस्तों देखिए अभी हम लोग धीरे धीरे करके ये जो प्लेटफॉर्म है इसको पार करते हुए निकल गए हैं। अब हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों करंटली हमारी जो वंदे भारत है ये पहुंच चुकी है पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन के ऊपर और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे कर यहाँ पर हमारी जो ट्रेन है ये पठानकोट को भी स्किप करते हुए निकल रही है। दोस्तों पठानकोट कैंट का रेलवे स्टेशन का जो कोड है वो है PKTC। सामने की तरफ में आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि एक आर्मी स्पेशल ट्रेन जो है ये खड़ी हुई है। काफ़ी सारे यहाँ पर आर्मी के जो लोग हैं ये खड़े होकर इस ट्रेन को देख रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होंगे इस ट्रेन को देखकर, उनको भी लग रहा होगा कि देश जो है वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। इसी के साथ में दोस्तों इस रेलवे स्टेशन के ऊपर टोटल 3 नंबर हैं, यानी कि 3 प्लेटफॉर्म से यहाँ पर, और ये आता है फिरोजपुर डिवीजन के अंडर में। जोन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे का जोन लगता है। इस रेलवे स्टेशन के ऊपर दोस्तों 2 जो मेजर ट्रेन से उनका स्टॉपेज दिया गया है, जैसे कि है उत्तर संपर्क क्रांति और इसी के साथ में काठगोदाम से लेकर हमारे जम्मू तवी के बीच में चलने वाली जो गरीब रथ एक्सप्रेस है वो भी यहाँ पर आकर रुकती है। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे लोगों की उम्मीद थी कि यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस ट्रेन का स्टॉपेज देगी, लेकिन इस ट्रेन का यहाँ पर कोई भी स्टॉपेज नहीं दिया गया है और दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमारी जो ट्रेन है ये पूरी तरीके से हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसको स्किप करते हुए निकल गई है। अब हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं। A few minutes later. दोस्तों अब हमारी वंदे भारत पहुंच चुकी है उधमपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर। दोस्तों उधमपुर रेलवे स्टेशन एक बहुत ही ज्यादा सुंदर रेलवे स्टेशन है जो कि पूरी तरीके से पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर से कभी भी गुजरते हैं तो आप लोगों को ये रेलवे स्टेशन बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। एक बार आप लोग इस स्टेशन पे आकर यहाँ का नज़ारा जरूर से देखिएगा। इसी के साथ में दोस्तों अगर हम लोग इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है UHP। यहाँ पर टोटल 3 नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर रोजाना 39 ट्रेन जो है वो पास होकर निकलती हैं। 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। इसी के साथ में दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं पास में एक लोकल DMU ट्रेन जो है ये खड़ी हुई है। काफ़ी सारे यहाँ पर जो लोग हैं वो भी इस ट्रेन को देख रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से देख कर खुश होते हैं लोग इस ट्रेन को। इसी के साथ में दोस्तों ये जो ट्रेन है या फिर ये जो रेलवे स्टेशन है ये आता है हमारे फिरोजपुर डिवीजन के अंडर में और ये जो जोन लगता है ये NR का लगता है। इसी के साथ में दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। इसी के साथ में दोस्तों अगर आप लोग चैनल पहली बार आए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर भी आप लोग को रेलवे से रिलेटेड बहुत सारी नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी अ ट्रैवलर, बी अ एक्सप्लोरर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।